साथियों, बहुत से साथी प्रवक्ता भी हमारे बीच में है, तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, संक्षिप्त में मेरी बात को रखूंगा, केवल दो मिनट लूंगा आपकी। सबसे पहले तो हजारों की तादाद में पूरे देश में जिस तरह से एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित समता सैनिक दल की रचना हुई है, इस विचार को, इस संघर्ष को, इस आंदोलन को सबसे पहले मैं जय भीम और क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि आज मुझे इस मंच पर से आपके बीच में खड़ा रहकर दो बात करने का मौका मिला। और खास करके हमारे गुजरात के साथी भानू भाई और ऊना के हमारे भी कुछ साथी जो है यहां पर आए हैं, उन लोगों का एक अहम रोल रहा है कि मैं आपके इस आंदोलन के साथ जुड़ूं और यह आंदोलन आपका आंदोलन न रहते हुए हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में बन जाए। साथियों, गुजरात के दलितों ने समता सैनिक दल के साथियों के साथ मिलकर दूसरे सारे संस्थाएं और संगठनों के साथ मिलकर जिस तरह से पूरे देश की जनता के सामने गुजरात के विकास के खोखले मॉडल का पर्दाफाश किया, ऐसा दूसरा कहीं किसी भी कोने में किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले गुजरात के हजारों की तादाद में जो भीम सैनिक उठ खड़े हुए हैं और संघर्ष के मैदानों में निकले हुए हैं, उन सारे के सारे गुजरात के भीम सैनिकों के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। साथियों, दलित आंदोलन एक स्वाभिमान का आंदोलन है, हमारे अस्तित्व का आंदोलन है, हमारी अस्तित्व की, हमारी अस्मिता की लड़ाई है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था ने हमारे ऊपर जो मेले और गंदे काम थोपे हैं, यदि हम लोग उसमें से मुक्त नहीं हो पाए तो दलित मुक्ति का आंदोलन वही का वही रुक जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से हजारों की तादाद में गुजरात के दलितों ने 31 जुलाई के अहमदाबाद के दलित महासम्मेलन में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से शपथ लिए और यह प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद जीवन में कभी मेला उठाएंगे नहीं और मृत पशुओं के निकाल का काम भी करेंगे नहीं। साथियों, मैं हर जगह पर जाता हूं और गुजरात मॉडल और हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, उनकी जो मनुवादी जातिवादी मानसिकता रही है, उसका जमकर पर्दाफाश करता हूं और इसीलिए मैं हर जगह पर जो बात कहता हूं आपके बीच में भी रखूंगा। और वो बात यह है, आप सारे लोग सुनकर हैरान रह जाओगे कि वर्ष 2009 में कर्मयोगी नाम की किताब में प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, यह है उनकी सोच। तो हम लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात के दलितों ने एक राह दिखाई है, हम लोगों ने अब मेला उठाने का, मृत पशुओं के निकाल का काम छोड़ दिया है, अब आप गुजरात में आइए और आप इस आध्यात्मिकता का आनंद उठाइए। साथियों, सारी सरकारों की दलितों के सवाल को लेकर जो भूमिका रही,
उसका एक मूल्यांकन करें तो साफ साफ दिखता है कि करीब करीब हर एक स्टेट में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, दलितों के ऊपर उत्पीड़न की वारदातें बढ़ती जा रही है। लेकिन एक मृत पशु की वजह से किसी जिंदा मनुष्य की खाल उखेड़ी जा रही हो, ऐसा तो गुजरात मॉडल के अलावा कहीं पे नहीं हुआ। यह न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश के लिए शर्मजनक और एक चिंता का विषय है। साथियों, जिस तरह से ऊना में दिन दहाड़े भर चौराहे सबके बीच में दलितों को मारा पीटा गया, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के ऊपर एक प्रहार हुआ, उससे भी कहीं गुना खतरनाक चीज यह हुई कि हमारे मुस्लिम समुदाय के साथी मोहम्मद अय्यूब की इन गौरक्षकों ने पिछले दिन हत्या कर दी। मैं कहने आया हूं यहां से, गुजरात की धरती से, कि जिस तरह से दलित, मुसलमान, मजदूर और सारे आंदोलनकारियों ने एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ ऊना के दलितों के उत्पीड़न का मामला उठाया, बिल्कुल उसी तरह हम मोहम्मद अय्यूब की मौत का बदला भी लेने वाले हैं। पूरे देश को आज एक साथ मिलकर दिल्ली की सरकार को यह पूछना चाहिए कि हम एक नागरिक के तौर पे आपसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे बैठे आप ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि संघ और भाजपा के लोगों को, इन गौरक्षकों को इतनी चर्बी चढ़ी हुई है कि मर्जी आए तब दलित और मुसलमान पे हाथ उठाए। हम लोगों को ये सवाल पूछना पड़ेगा, हम लोगों को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि यदि गोलियां बरसानी है तो मुझ पर बरसाना, दलितों के ऊपर नहीं। भानु भाई ऊना और गुजरात से आए हमारे सारे साथी जानते हैं, कल 23 सितंबर का दिन था। 23 सितंबर के दिन 2012 की साल में गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में थानगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर 16, 17 और 21 साल के तीन दलित लड़कों को, जिसे वो आतंकवादी हो, उस तरह से AK-47 से गोलियां डालकर उनकी हत्या कर दी गई। आपको मालूम है ये क्यों हुआ? स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा दूसरा कोई भी वाक्या नहीं, ऐसी दूसरी कोई भी घटना नहीं, जब एट्रोसिटी की, अत्याचार की फरियाद दर्ज करवाने जा रहे दलितों के ऊपर AK-47 से गोलियां दागी गई हो, वो केवल गुजरात के थानगढ़ में हुआ है। आज उस घटना को 4 साल हो गए, उसका एक आरोपी जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी 4 साल के बाद भी उसकी अरेस्ट नहीं हो रही, 4 साल के बावजूद भी उनके पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, 4 साल के बावजूद भी 3 जो FIR दर्ज हुई उसमें से 2 में मुकदमे की कार्रवाई चालू नहीं हुई। तो साथियों, कुल मिलाकर ये जो गुजरात मॉडल है, वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो और मजदूर हो, उन सभी के हितों के खिलाफ काम करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पहली पार्टी का गठन किया था, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, उस स्वतंत्र मजदूर पक्ष जो था वो दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसान और मजदूरों के हितों की भी बात करता था।